इमरान खान ने फिर रोया गैर मुल्की साजिश का रोना, कहा बाहरी ताकतों से लड़ेंगे आजादी की लड़ाई। इकतदार गंवा चुके पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने फिर अपनी हुकूमत गिरने के लिए गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत बना, लेकिन जमहूरियत की लड़ाई आज फिर से इकतदार तब्दीली की एक गैर मुल्की साजिश के खिलाफ शुरू होता है। हुकूमत गिरने और इकतदार चले जाने के बाद इमरान खान का सियासी जद्दोजहद जारी है। उन्होंने फिर अपनी हुकूमत को गिरने के लिए गैर मुल्की ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस साजिश के खिलाफ एक जद्दोजहद शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं एतवार को इमरान खान ने बंगला में वाकया सेक्रेटरीट अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटी बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान एक आजाद रियासत बना, लेकिन आजादी की जद्दोजहद आज फिर से इकतदार तब्दीली के एक गैर मुल्की साजिश के खिलाफ शुरू होता है। ये हमेशा इस मुल्क के लोग हैं जो अपनी खुद मुख्तियारी और जमहूरियत के दिफा के लिए लड़े हैं। इकतदार गंवा चुके पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने फिर अपनी हुकूमत गिरने के लिए गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत बना, लेकिन जमहूरियत की लड़ाई आज फिर से इकतदार तब्दीली की एक गैर मुल्की साजिश के खिलाफ शुरू होता है। इससे पहले भी इमरान खान ने दावा किया था कि इनके खिलाफ अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद की तजवीज इनके आजाद गैर मुल्की पॉलिसी के सबब एक गैर मुल्की साजिश का नतीजा है और इसके लिए बैरूनी ममालिक से मिल रहे पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौम के नाम अपने एक खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि एक सीनियर अमेरिकी डेवलपमेंट में पाकिस्तान में इकतदार तब्दीली की धमकी दी थी। हालांकि जो बाइडेन इंतजामिया ने इमरान खान के इन इल्जाम को खारिज कर दिया है। अमरीकी कार्जा महकमा ने कहा कि इमरान खान के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि यूक्रेन पर हमले के फौरी बाद इमरान खान ने रूस का सफर किया था और इस बात से अमेरिका नाराज था। नाजरीन, ये थी फिलहाल की स्टोरी। दीजिए इजाजत, तारक शेख को खुदा हाफिज।